Okay, welcome to everyone on Aspire IQ channel. तो इससे पहले लेक्चर में हमने आपके वो पॉलीनोमियल का क्या पढ़ाया था हमने भाई वीटास फॉर्मूला पढ़ाया था राइट तो वीटास फॉर्मूला में हमने देख लिया कि वो जीरोस और कोफिशेंट्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है ठीक है वीटास फॉर्मूला उस पर हमने फिर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे राइट अच्छा उस वीडियो में मैंने थोड़ा बैकग्राउंड ब्लैक यूज़ किया है तो मुझे अगर आपको कुछ विजुलाइज की कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना विजुलाइज करने में या फिर आंखों पे इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स ताकि मैं उसको चेंज कर दूँ अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है ठीक है इस बार मैंने वही अपना जो ओल्ड हम पैटर्न यूज़ कर रहे थे ग्रीन बोर्ड मैं वही यूज़ कर रहा हूँ ठीक है चलो अब टॉपिक पर आते हैं बहुत बातें कर ली हमने ठीक है स्टार्ट करते हैं ओके तो पॉलीनोमियल में हमने वीटास पढ़ लिया है ना जीरोज़ पढ़ लिया अच्छा जीरोज़ के बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं जीरोज़ ऑफ पॉलीनोमियल जीरोज़ ऑफ पॉलीनोमियल राइट तो वाई इजिकल टू एफ एक्स मान लो कोई पॉलीनोमियल है ठीक है एन डिग्री का ले रहा हूँ फिलहाल में कितने डिग्री का ले रहा हूँ एन डिग्री का ले रहा हूँ मैं राइट तो ये कॉन्स्टेंट टाइम आपकी ए नॉट अच्छा इसके कितने जीरोज होंगे एन जीरोज होंगे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जितनी डिग्री उतने ही जीरोज होंगे क्लियर पॉलीनोमियल के हिसाब से ओके अब तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे जीरोज की प्रॉपर्टीज ठीक है तो जीरोज फाइंड कैसे करते हैं फाइंड कैसे करते हैं जीरोज पहले तो मैंने आपको एक रेशनल रूट थ्योरम पढ़ा दी है ना रेशनल रूट थ्योरम से हम बता सकते हैं अगर उसके रूट हमें पता है कि रेशनल है ठीक है रेशनल रूट थ्योरम होगी एक तो ठीक है एक मेथड तो ये हो गया दूसरा मेथड अगर क्वाड्रेटिक है केवल क्वाड्रेटिक के लिए ठीक है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ये है ठीक है ये इसमें मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ ठीक है नहीं कराए तो और भी करा दूँगा करा चुका हूँ इसे मैं रेशनल रूट थ्योरम ठीक है और मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ठीक है बहुत सारे बच्चे इसको भी जानते होंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है क्या कुछ नहीं होता मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है ठीक है ये क्वाड्रेटिक के लिए ये केवल किसके लिए ये केवल क्वाड्रेटिक के लिए ठीक है सेकेंड चीज़ एस सच कोई मेथड नहीं है जीरोज को निकालने का ना एस सच कोई मेथड नहीं है राइट बस हमें देखना पड़ता है विजुलाइज करना पड़ता है कि रेशनल रूट थ्योरम लगा सकते हैं ठीक है दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अगर क्वाड्रेटिक है तो ठीक है हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं सॉरी हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं ठीक है तो ये मेथड है ओके ओके नेक्स्ट है आपका अच्छा इस पर अगर मैं कुछ क्वेश्चन दूँ रेशनल रूट थ्योरम पे और मिडिल टर्म स्प्लिट पे तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से क्वेश्चन ले रहा हूँ कुछ कैसे करते हैं ठीक है तो मैंने क्या किया मैं आपको समझा रहा हूँ हाउ विल वर्क ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है इसको हम जीरो निकाल लें तो आप क्या करोगे ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे ए सी आ जाएगा अब ए सी को इस तरह से स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में कि उनका सम बी आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए ए सी ही आना चाहिए ठीक है ये तो कंसेप्ट है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में ये तो कंसेप्ट है कि ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी आ गया अब ए सी को दो फैक्टर में या दो नंबर्स में डिवाइड करना है एक्स वन एक्स टू जिनका प्रोडक्ट करने पर आपको ए सी ही मिले और सम करने पर बी मिलना चाहिए ठीक है जी तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं देखो ज़रा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पर क्वेश्चन ये एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टी है ना ये कोई पॉलीनोमियल है इसके आपको जीरो निकालना है मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है कुछ नहीं मैंने क्या किया ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 15 ठीक है अब 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 5 × 3 ऐसे लिख सकता हूँ क्या ठीक है और कह सकता हूँ 15 × 1 ऐसे ले सकता हूँ क्या मतलब 15 को तुम जितने टाइप से ले सकते हो दो नंबर के फॉर्म में है ना दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में 5 × 3 15 × 1 और कोई तरीका नहीं है माइनस प्लस कर सकते हैं है ना
नंबर्स ही रहेंगे, साइन को हम देख लेंगे बाद में, ठीक है, नंबर्स ही रहेंगे, साइन चेंज हो सकता है। अब मैंने देखा मुझे लाना क्या है, मुझे दो नंबर चाहिए जिनका सम माइनस एट आए, सम कितना आना चाहिए, माइनस एट आना चाहिए, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 15, ठीक है। तो देखो 5 और 3 का सम 8 आएगा क्या, 5 और 3 का सम क्या आएगा, 8 आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट 15 आएगा, लेकिन मुझे माइनस का 8 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, माइनस का 8 चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये भी ले सकते हो क्या, माइनस ये 15 को आप ये भी ले सकते हो ना, माइनस 5 इंटू माइनस 3, माइनस 5 इंटू माइनस 3, इसको भी मैं ले सकता हूँ, माइनस 5 इंटू माइनस 1 ये ले सकता हूँ। तो इन चारों पॉसिबिलिटी में से जो पॉसिबिलिटी मेरी सेटिस्फाई करेगी मैं वो ले लूँगा, तो मेरी तो ये वाली पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई कर रही है, तो मैंने वही किया कि एक्स स्क्वायर मैंने 8 को लिख दिया 5x माइनस 3x और प्लस 15, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया मैंने, है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, इसलिए इसका नाम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है। चलो यहाँ से देखो क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है क्या, x कॉमन ले लिया x माइनस 5, यहाँ से देखो 3 कॉमन है क्या, x माइनस 5। अच्छा दूसरी चीज़, जो टर्म यहाँ पे आएगी वही टर्म हमेशा यहाँ पे आएगी, अगर नहीं आएगा तुम गलती कर रहे हो, एक्स माइनस 5 कॉमन है, एक मिनट, एक्स माइनस 5 कॉमन आ गया, क्या बचा, एक्स माइनस 3 हो गया, फैक्टराइज हो गया, ठीक है, ये तो हो गया हमारा फैक्टराइज। अच्छा इसको जीरोज के, जीरोज निकालने हैं तो इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, इसके जीरोज निकालने तो इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। अब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो, या तो पहला नंबर जीरो होगा या फिर दूसरा नंबर जीरो होगा, या फिर दोनों जीरो होंगे, एक्स इक्वल टू 5 और एक्स इक्वल टू 3, ये आंसर है। तो 3 और 5 आप क्या हैं, जीरोज है, 3 और 5 क्या क्या है, जीरो है, ठीक है। अच्छा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत बेसिक है, अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको आना चाहिए, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया बस, राइट। रेशनल रूट थ्योरम पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2, मान लो ये दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है, यही दिया हुआ है आपको, तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। ठीक है, माइनस 3 इंटू 1, तो अगर मैं इसमें रैशनल रूट थ्योरम लगाता हूँ, है ना, रैशनल रूट थ्योरम लगाता हूँ, तो रैशनल रूट थ्योरम क्या थी भाई, कि अगर इसके रैशनल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो, अगर इसके रैशनल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो वो किस फॉर्म में होंगे, माइनस 3 के फैक्टर और 1 के फैक्टर के रूप में होंगे, क्लियर है क्या, माइनस 3 और 1 के फैक्टर के रूप में होंगे, ठीक है ना, मतलब इसके फैक्टर निकाल लो और इसके फैक्टर निकाल लो, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, और पी क्या है इसके फैक्टर और क्यू क्या है इसके फैक्टर, तो क्यू का फैक्टर तो एक ही है, प्लस माइनस 1 दो हैं, पी के फैक्टर भी क्या है, प्लस माइनस 3 यही है, तो रूट आंसर क्या होगा आपका, ठीक है, प्लस माइनस 1 भी है यहाँ पे पी के, तो आंसर क्या क्या हो सकता है, पी बाई क्यू जितने भी आंसर पॉसिबल है पी बाई क्यू से निकाल लो, प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 1, ठीक है, मैं यहाँ से ले लिया मैंने, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है जी, प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 और दोनों माइनस हो गए, माइनस माइनस 1 प्लस 1, सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ मैं आपको, तो क्या क्या रूट पॉसिबल है, देखो रूट क्या क्या पॉसिबल है भाई, या तो प्लस 3 पॉसिबल है अगर रेशनल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो, या तो प्लस 3 पॉसिबल है, ठीक है, या माइनस 3 पॉसिबल है, यहाँ तो यहाँ से तो प्लस 3 आया छोड़ दिया इसको, तो यहाँ से प्लस 3 आया, यहाँ से दोबारा प्लस 3 आ रहा है छोड़ दिया इसको, यहाँ से माइनस 3 आया इसको भी छोड़ दिया, यहाँ से प्लस 1 आ रहा है नेक्स्ट, यहाँ से प्लस 1 आ रहा है ले लिया, यहाँ से प्लस 1 आ रहा है छोड़ दिया, यहाँ से माइनस 1 आ रहा है, यहाँ से माइनस 1 आ रहा है छोड़ दिया इसको, ठीक है, तो यही चारों में से रेशनल रूट एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज रेशनल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो पहले मैंने 1 रख के देखा, x की वैल्यू 1 रख के देखी, अगर 0 आ गया तो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका 0 है, अगर x इक्वल टू 1 मैंने रखा यहाँ पे
और ये सेटिस्फाई कर गया, वाई इजिकल टू जीरो आ गया, तो ये इस पॉलीनोमियल का जीरो है। तो रख दिया मैंने, वन का क्यूब वन, थ्री इंटू वन, फाइव इंटू वन, माइनस थ्री, तो देखो आ गया क्या, टू माइनस टू, हाँ आ गया, जीरो आ गया। तो ये तो है वाई इजिकल टू एक्स इंटू वन तो है, ठीक है। माइनस वन रखा, माइनस वन रखा, तो ये माइनस, ये माइनस थ्री, ये माइनस फाइव, ये माइनस थ्री नहीं है, है ना, जीरो नहीं आया, ठीक है। यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस वन नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। प्लस थ्री रख लो, प्लस थ्री, एक्स इक्वल टू प्लस थ्री, ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन, फिफ्टीन माइनस थ्री, ये भी नहीं है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक्स इक्वल टू माइनस थ्री रख लो, माइनस ट्वेंटी सेवन, माइनस ट्वेंटी सेवन, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका एक ही रेशनल प्रोजेस करता है, वो क्या है, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन, है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा है बस। अच्छा, अगर इसके अदर रूट निकालने तो कैसे निकालेंगे, इसके अदर रूट निकालने आपको तो कैसे निकालेंगे, एक्सप्रेशन को नोट करो एक बार, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू, ये नोट कर लिया मैंने। अब x माइनस में इसको डिवाइड कर रहा है, देखो मैं डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करते नहीं जैसे आप बचपन में करते हो, डिवाइड कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक ये नहीं, ये तरीका नहीं, तो बच्चों वाला तरीका हो जाए, दूसरे कैसे करेंगे, रुको एक मिनट, ठीक है। तो x माइनस वन तो आएगा ही आएगा भाई, ये तो आपको पता चलेगा कि x माइनस वन से ये डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू वन रखने पे वाई जीरो आया ना, कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है, एक्स इक्वल टू रिमाइंडर थोड़ा में हो गया ना, ये एक्स इक्वल टू वन पुट किया वाई जीरो, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो है, राइट। तो रिमाइंडर जीरो यानी इसको डिवाइड करेगा, तो जब तुम एक लीनियर से एक क्यूबिक को डिवाइड करोगे तो अंदर क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक बचेगा क्या, ये बताओ मेरे को बस, अंदर क्या बचना चाहिए, क्वाड्रेटिक बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, बचना चाहिए। तो बस उसी का यूज किया मैंने, इसी कंसेप्ट का, कि एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर आएगा, क्यों, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, वन, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे वन है, तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट भी यहाँ पे वन ही होना चाहिए, तभी तो वन इंटू वन वन बनेगा, ठीक है, ओके। अब कॉन्स्टेंट को देखो, मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर बताया कि किसी भी पॉलीनोमियल में कॉन्स्टेंट की ही मल्टीप्लाई होगी, कॉन्स्टेंट आएगा। यहाँ पे अगर एक कॉन्स्टेंट माइनस वन है तो इस क्वाड्रेटिक में जो कॉन्स्टेंट आएगा, देखो मुझे क्या चाहिए, माइनस थ्री आना चाहिए अल्टीमेटली, तो मैं यहाँ प्लस थ्री लिखूँ क्या, ये बताओ, ताकि प्लस थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई होके मुझे माइनस थ्री दे दे, क्लियर है क्या, प्लस थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई होके मुझे माइनस थ्री दे, ठीक है, ये तो करना पड़ेगा भाई, प्लस थ्री आना पड़ेगा तभी तो माइनस थ्री आएगा। अच्छा, दो टर्म आ गई आपकी, अब एक टर्म बची बीच वाली, है ना, तो उसको मैंने क्या मान लिया, उसको के एक्स मान लिया एक वर्ग के, ठीक है, के पॉजिटिव नेगेटिव अपना हो जाएगा, अच्छा ओके। अब दोनों तरफ के ये तो, ये पॉलीनोमियल और ये पॉलीनोमियल तो बराबर ही है ना, तो दोनों तरफ के कोएफिशिएंट भी बराबर होंगे, तो मैंने एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर किया। अब देखो मैं एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर कैसे करूँगा, एक्स आएगा कैसे, केवल एक्स का, अगर ये वाला एक्स इधर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए तभी तो एक्स आएगा, अदरवाइज किसी और में भी अगर मल्टीप्लाई होता है तो एक्स की पावर बढ़ जाएगी। तो इधर से एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, थ्री एक्स, थ्री ले रहा हूँ मैं, थ्री एक्स आएगा, लेकिन मैं थ्री ले रहा हूँ, कोएफिशिएंट से मतलब है। अच्छा, ये वाला एक्स भी इधर मल्टीप्लाई होगा, एक मिनट, ये वाला एक्स भी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आएगा, माइनस के, ये कितना है, माइनस के, और तो कोई एक्स है ही नहीं, है ना, इधर का है उधर कॉन्स्टेंट में, और इस वाले, ये वाला एक्स इस वाले कॉन्स्टेंट में। अच्छा, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट है क्या, ठीक है, क्या है, फाइव है, तो फाइव लिख दिया मैंने, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू आ गई, क्या के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू आ गई, हो गया डिवाइड, ठीक है ना, हो गया डिवाइड। तो क्या लिख दूँ मैं, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, क्लियर है क्या, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है ना। तो अब देखो माइनस वन, अच्छा इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से स्प्लिट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, देखो थ्री इंटू वन, थ्री आया, थ्री को स्प्लिट करना है, तो माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स ले सकता हूँ क्या, बोलो, तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन एक्स कॉमन एक्स माइनस थ्री, एक मिनट, ओके प्लस थ्री आ रहा है, हाँ हाँ, मतलब ये नहीं होंगे ना, इसका स्प्लिट नहीं हो सकता, ठीक है, ये स्प्लिट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, हमने ध्यान नहीं दिया,
भाई ये दोनों तो मल्टीप्लाई करके माइनस तीन आ रहा है और यहाँ प्लस थ्री आ रहा है, तो यानी कि स्प्लिट नहीं होगा, छोड़ दो इसको, ठीक है, ऐसे का ही ऐसा ही छोड़ दो, या आगे स्प्लिट होगा नहीं, ठीक है। तो बस यही आंसर है आपका, इससे ज़्यादा वो आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये जो टर्म है आपकी क्वाड्रेटिक या आगे फैक्टराइज नहीं होगी, ठीक है जी, या आगे फैक्टराइज नहीं होगी तो बस यही छोड़ देंगे। तो इसका एक ही रेशनल रूट आया, वो क्या था, एक्स इक्वल टू, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने शायद बता भी रखी होगी, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या नोट करने लायक, ठीक है, नोट करने लिख लो, इफ सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन एनी पॉलिनोमियल इज जीरो, ठीक है, सम ऑफ, इफ सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन एनी पॉलिनोमियल इज जीरो देन एक्स इज इक्वल टू वन इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है आपको, एग्जांपल पिछले वाला ही देख लो, ये कह रहा है अगर किसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट का सम जीरो है, इसके कोफिशिएंट लिखो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस थ्री, एक्स का कोफिशिएंट फाइव और ये माइनस, इनको ऐड करो, माइनस थ्री माइनस सिक्स प्लस फाइव प्लस वन सिक्स, तो ये तो सिक्स माइनस सिक्स जीरो आ गया क्या, तो कन्फर्म एक्स इक्वल टू वन इसका जीरो, चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये नोट करके एक बात हमने लिख ली, एक पॉइंट और लिख लो, हेडिंग डाल लो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज जरूरी नहीं है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, सपोज करो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और फिर मैं आपको बोलूँ एक्स इक्वल टू ए पुट कर दो, क्या पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू ए पुट कर दो इसमें, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है, तो वाई इज इक्वल टू एफ ए इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, वैल्यू पॉलिनोमियल पता चल गया, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही है ना, छोटा सा लेक्चर है, बहुत छोटा सा बनाया मैंने जानबूझ के, ताकि मैं आपको ये देखो ये चीज़ पढ़ाने की नहीं है, अगर आप एनटीएससी की तैयारी करो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, फिर भी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। और अब मैं इस पर क्वेश्चन ही कराऊंगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पढ़ा हमने, इसमें रैशनल रूट थ्योरम पे एक क्वेश्चन किया, क्योंकि आई थिंक मैं क्वेश्चन पहले इससे मैं लेक्चर में करा चुका हूँ, ठीक है, अगर नहीं आया तो अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, वैल्यू पॉइंट में बचल गया हमें क्या होता है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।